आप लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि बैंक ऑफ जो इंटरेस्ट है वो एक हराम है, एक ये चीज है, यू शुड अवॉइड दिस। इट्स अ प्योर मैथमेटिकल साइंटिफिक फील्ड का, तो इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन फाइनल से तो कभी इस्लामिक स्कॉलर्स का हो ही नहीं सकता। सिर्फ पैसे के डीवैल्यू होने को ये चीज कंपनसेट करती है इंटरेस्ट, तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। अपना नॉलेज अपडेट कर लें, सिर्फ इशू जो है वो डीवैल्यू होने का नहीं है मेरे भाई। अब पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 22% है। तो किसी का दिमाग खराब है कि वो कारोबार करेगा जिसमें डूबने के भी चांसेस हैं? उन्होंने खान साहब के दौर के अंदर वो सारे जो है वो डिजिटल रोशन अकाउंट के जी मैं बता रहा हूँ ना, क्यों है मैं बता रहा हूँ ना, एक पूरा माफिया है ना इसको कंट्रोल कर रहा है जी। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ शमशेर कियानी भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आप लाइव हैं, सवाल करें अपना। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल अली भाई, कैसे हैं, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कियानी साहब कहाँ से हैं? मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 साल से कनाडा में हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ और पिक्चर आ रही है, क्लियर आ रही है? जी आ रही है, अपना सवाल करें। जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली तो 8 है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं 2 बोल सकता हूँ, टाइम भी शॉर्ट है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिगार्डिंग इंटरेस्ट बैंक के, आई मीन आई नो आपने काफ़ी दफ़ा, काफ़ी उलमाज ने इसमें हाईलाइट किया है, मैंने काफ़ी उलमाज की इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट सुना है, और मैंने बाकी फोनों से भी हाईलाइट किया है, मैं आपके साथ भी हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया है, जो मेरा स्टैंड पॉइंट था उन्होंने एग्री भी किया किसी हद तक। अब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सुनना चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि बैंक ऑफ जो इंटरेस्ट है वो एक हराम है, एक ये चीज़ है, यू शुड अवॉइड दिस, ट्रेडिशनल बैंकिंग इस तरह से है इसके में ये, बट मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने पढ़ा है, आई एम ऑल्सो इंजीनियर, मैं सारी चीज़ों मैंने इसकी इकोनॉमिक्स की चीज़ों को पढ़ा है फील्ड में, प्रोजेक्ट मैंने, मेरी जो अपना एनालिसिस है, इट्स अ प्योर मैथमेटिकल साइंटिफिक फील्ड, और यू कैन से इट्स अ डोमेन। इसका तो इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन फाइनल से तो कभी इस्लामिक स्कॉलर्स का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक पूरी मैथमेटिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या, अगर उसकी डेफिनेशन पर डीप डाइव किया जाए, वो तो एक इन्फ्लेशन से लिंक होता है, और इन्फ्लेशन किससे लिंक होती है, वो लिस्ट ऑफ बास्केट ऑफ सर्विसेज होती हैं, सीपीसी, उन चीज़ों से लिंक होती है, ठीक है। ये तो एक पूरा सर्कल है जो हर मुल्क का स्टेट बैंक डिक्लेयर करता है बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड की फॉर्म में, मार्केट में क्या है, उसकी बेस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होती है, फिर उसकी बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और वो इंटरेस्ट सब बैंक्स को कॉरेस्पॉन्ड कम्युनिकेट किया जाता है कि ये इंटरेस्ट है इस क्वार्टर या इस ईयर के लिए, जो कि चेंज होता रहता है, बैंक्स रिव्यू करते रहते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस मेरा सबसे पहला मैं क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, इसमें एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर $100 है, सवाल भी सामने आया मेरे भाई, मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी लेमैन से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक लाइन में क्वेश्चन करें, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, इतनी लंबी तकरीर की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। जी आपने जी। जो आखिर में जुमला बोलना है वो पहले बोल दें, अगर मुझे समझ ना आई तो मैं आपसे पूछ लूंगा। जी जी, आपने आखिर जुमला है मेहरबानी फरमा के वो जुमला बोल दें आप। जी जी, मेरा वो मेरा जुमला यही है कि इसमें हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्टिव है, वेरियस टू केस के प्रोपोर्शनलिटी होती है, मैथमेटिकल स्टम भी इसमें इन्वॉल्व, आप एग्री करते हैं, या आपका स्टेट फॉरवर्ड आइडियोलॉजी है कि इंटरेस्ट का जहाँ नाम आया बैंक वो हराम है, वो आप और आपकी आइडियोलॉजी यही है कि जितना कैश आपने लिया है उतना ही आप अगले साल वापस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ पर डिफर करता हूँ, क्योंकि जब से पेपर करेंसी लॉन्च हुई है उसकी पेपर करेंसी इज नॉट लाइक कमोडिटीज और गुड्स। मैं समझ गया आपकी बात मेरे भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मेरी इस वीडियो के इस टॉपिक पे वीडियोस देखी नहीं है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है भाई, उसके बाद मास्टर डिग्री जब मैंने की है तो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स। ये मैंने सारी फाइनेंस की बेसिक टर्म्स जितनी है, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है, ये पूरे का पूरा निज़ाम कैसे चल रहा है, ये टॉपिक ही बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जो आप वो जो पैसा डीवैल्यू होने की बात कर रहे हैं उसका सलूशन हम देते हैं। सलूशन ये है कि आप गोल्ड की फॉर्म में अपने पास रखें। जब तक इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू एक थी ना, यानी कि गोल्ड के ऊपर जो लिखा होता था वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी और फेस वैल्यू, उस वक्त तक ये कबातें शुरू नहीं हुई थी। एक बातें जो है वो पेपर करेंसी की वजह से शुरू हुई हैं, लेकिन पेपर करेंसी में भी जो आपने ये बात की कि सिर्फ पैसे के डी वैल्यू होने को ये चीज़ कंपनसेट करती है इंटरेस्ट, तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। अगर तो आप ये जानबूझ के कह रहे हैं तो मैं तो बदगुमानी नहीं करता, अगर आप अपनी यानी इग्नोरेंस की वजह से कर रहे हैं तो आप अपना नॉलेज अपडेट कर लें,
सिर्फ इशू जो है वो डी वैल्यू होने का नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर इशू ये है कि जो लोग कारोबार के तरद्दुद से बचना चाहते हैं वो बैंक के पास पैसे रखवाते हैं और बैंकों को कहते हैं कि ये हमारा पैसा लो और तुम हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर फैक्ट्रियों को ये दो। वो डी वैल्यू को कंपनसेट नहीं कर रहे होते बल्कि वो हायर रेट्स के ऊपर बैंकों को सूदी कर्जे देते हैं, फिर बैंक जो है उनको सूदी कर्जे देते हैं फैक्ट्रियों वालों को और मुख्तलिफ लोगों को, ताकि वो डेट के तौर पर साथ इक्विटी थोड़ी सी अपनी मिला के कारोबार करें, उस कारोबार से जो कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा वो बैंक को देते हैं और उस बैंक उस सूद में से कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ अपने डिविडेंड की फॉर्म में, मुनाफे की फॉर्म में जो है वो अपने कस्टमर को देता है। वो सिर्फ पैसे के डी वैल्यू होने को कवर नहीं कर रहा होता बल्कि पैसा इन्वेस्ट किया होता है, डी वैल्यू की कंपनसेशन नहीं हो रही होती। अब पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 22% है, 22% इंटरेस्ट रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो जब 22% होगा तो किसी का दिमाग खराब है कि वो कारोबार करेगा जिसमें डूबने के भी चांसेस हैं? वो बैंक में जमा करवाएगा। आप जितने फॉरेन मुल्कों में बैठे हुए हैं उन्होंने खान साहब के दौर के अंदर वो सारे जो है वो डिजिटल रोशन अकाउंट के वो डॉलर्स की फॉर्म में इतने हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बाहर के मुल्कों में 1-2% इंटरेस्ट होता है। ये तो मेरा सवाल है, बाहर मुल्कों में कम और पाकिस्तान में ज्यादा क्यों है? ये तो सवाल है, वो रेफिकर मैं बता रहा हूं ना क्यों है, मैं बता रहा हूं ना, एक पूरा माफिया ना इसको कंट्रोल कर रहा है। इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसके साथ मामला क्या है, कि इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो बदकारी है वो बिल रिजा हो रही है या बिल जबर हो रही है। इस्लाम ने जिना को, अडल्ट्री को हराम कर दिया, ठीक है, आगे उसकी जो भी किसी ने कोई इल्मी तौजीह बयान करनी वो करता रहे। इस्लाम में जिना ना मर्जी से हो सकता है ना जबरन हो सकता है, इस्लाम में सूद ना मर्जी से हो सकता है ना जबरन हो सकता है। रहा जो पैसे का डी वैल्यू होना, उसकी कंपनसेशन हम बताते हैं। पाकिस्तान में जिन लोगों ने डॉलर्स की फॉर्म में पैसे रखे हुए, सोने की फॉर्म में रखे हुए, उनके डी वैल्यू नहीं होते भाई। 8-2 साल पहले पाकिस्तान में सोना 1,00,000 रुपया तोला था, आज 2,40,000 है। दुनिया का कोई कारोबार भी ये नफा नहीं दे सकता कि 1,00,000 का सोना 1.5-2 साल में 2,40,000 का हो जाए और उन्होंने कोई बैंक से इंटरेस्ट नहीं लिया, घर बैठे बैठे हलाल है ये। इसको हम हलाल मानते हैं, हराम ये मानते हैं कि हम पैसे के बदले पैसा, इंटरेस्ट की डेफिनेशन है वो हम क्यों मानते हैं, वो कुरान में आया है कि अल्लाह तआला ने इंटरेस्ट को हराम किया है। रहा पैसे का डी वैल्यू होना, उसके लिए आप सोना रख सकते हैं और ऑप्शन मौजूद है, ठीक हो गया। वो आप मेरी तफसीली वीडियो देखें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग जैसे कि कुरान के हमने पढ़ा है और मैंने खुद भी ट्रांसलेशन से पढ़ा है, आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, उसमें अगर आप हम सब आयात को देखें तो सर्टनली जो कुरान का तरीका होता है, अल्लाह की तरफ से किताब आई है और वो वाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उनके मैसेंजर तक आई है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो उसमें एक टून है, बेसिकली टून ऐसे ही है जो कि बनती है कि अल्लाह ताला मुखातिब हो रहा है रसूल से, बंदों से, उनको सजा जजा बता रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा है लाइफ का, जीने का, मरने का, एवरीथिंग एल्स, ठीक है। उसमें आप देखें एक पैटर्न नज़र आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इंग्लिश में, एक बंदा, एक जो चीज़ बंदा बात कर रहा है, एक जो जो कि उसमें एड्रेस हो रहा है, और उस पूरे टून में एक सारी आयात को अगर देखा जाए, सूरत को निकाल के एक ही टून नज़र आती है, पता चलता है कि एक ज़ात है जिसने किताब भेजी है अपने प्रॉफिट मैसेंजर को। क्या है मेरे भाई, ये तो हमें पता है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता भाई, आखिरी जुमला पहले बोलते हैं, अगर मुझे क्वेश्चन समझने की जरूरत हुई तो मैं आपकी पूरी ब्रीफिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा तो नहीं है ना जो आपस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं और आप एक पेज पे हैं, आप मुझसे जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जो अगर आप सूरत फातिहा देखें, उसका अगर आप हम तर्जमा पढ़ते हैं और देखा भी है, उसमें दो आयात हैं जिसमें एक नबोतवीकीम, ए परदेगार हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते पे चला। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से आई हुई आयात हैं, उसमें टून भी ऐसी डिवेलप है, ये ऐसी सूरत क्या है जहाँ पर इंसान अल्लाह ताला से मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते में चला, ये तो काइंड ऑफ दुआ लगती है, और अगर ये दुआ है, अल्लाह ताला ने तरकीन दी है ये दुआ पढ़ने के लिए सूरत, तो उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई आयात से लिंक भी होनी चाहिए। आई नो के सूरह मक्की सूरह मदनी जो हैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इनकी री ऑर्डरिंग हुई थी जो भी एरा खुल्फा राशिदीन के दौरान उनके बाद में, बट सवाल
इसमें टोन चेंज है और आपका मेरे भाई 2 मिनट गुजर गए जी सवाल इसमें टोन चेंज है जस्ट वांट आंसर दिस कोई चेंज नहीं मेरे भाई बिल्कुल चेंज नहीं है पहली तो बात है आपकी डॉक्टरी नहीं गलत है कि सूरह फातिहा में टोन चेंज है कुरान हकीम में सैकड़ों आयात हैं जिनमें दुआया कलिमात है तो ये आपकी डॉक्ट्रिन बिल्कुल गलत है कि कुरान की टोन सिर्फ वही है बिल्कुल ऐसा नहीं है कुरान हकीम में रब्बना के साथ 40 से ज्यादा दुआएं हैं अल्लाह ताला ने बकायदा दुआएं बताई हैं कि मोमिनीन ने मुख्तलिफ औकात में अल्लाह ताला से दुआएं की ये उसलूब कुरान में सूरह फातिहा के अलावा भी मौजूद है सूरतुल बकरा की आखिरी आयात देख लें वो दुआएं हैं उसमें इंसान ही अपने रब से मुखातिब हो रहा है अल्लाह नहीं अपने बंदों से हो रहा सूरह आल इमरान के एंड पे भी सारी दुआएं हैं अच्छा उसके बाद एक और उसलूब भी है जिसमें नबी के जरिए कहलवाया जाता है जिस तरह उल हुवल्लाहु अहद ए नबी तुम कह दो कि अल्लाह एक है उसमें नबी इस्लाम से कहलवाया जा रहा है उल वाली आयात भी कुरान में 300 से ज्यादा है लिहाजा ये जो आपकी डॉक्ट्रिन है ना कि कुरान सिर्फ उसी उसलूब पे है ये बिल्कुल वो डॉक्ट्रिन ही गलत है क्योंकि आपने डॉक्ट्रिन गलत खड़ी कर ली इसलिए उसकी वजह से रिजल्ट गलत निकले दो तो मैंने आपको केसेस बता दिए कि दुआएं भी मौजूद है और नबी इस्लाम से भी कहलवाया जा रहा है सिर्फ वो उसलूब नहीं जो आप बयान कर रहे हैं अपना दूसरा क्वेश्चन कर मैं अली साहब एक दफा दोबारा रिव्यू करूंगा मैं आयात को पढ़ूंगा और मैं मेरी गैप है इस चीज में मैंने आपको मोटी सी बता दी है सूरह बकरा की आखिरी आयात आपको आपने को तहकीक करनी है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अलल लजीन मिन क़ब्लिना ठीक है सूरह बकरा में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार तहकीक की तो जरूरत ही नहीं है तो सीधा सीधा हर मुसलमान को ये बात पता है ये कोई तहकीक की बात ही नहीं है हर मुसलमान को सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आती है जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा चौथा उसलूब भी है जी जी मैं मैंने चौथा उसलूब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ करवाता है बगैर खिताब किए अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम जी उस पे तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं ना उन चीजों पे मैं बेसिकली इस पे था कि ऑब्जेक्शन था वो तो मैंने डॉक्ट्रिन खत्म कर दी ना स्टार्ट में जी जी मुझे जो आपने बाकी दुआएं बताई बिल्कुल मैं उसको देखूंगा कोई गैप है मेरी समझ में दोबारा समझूंगा लेकिन मुझे इसलिए दुआएं तो आपको पता ना ही है मौजूद जी जी बिल्कुल तो मैं देखूंगा कि सूरह फातिहा क्यों टारगेट हो रही है दुआएं तो पूरे कुरान में क्योंकि इसलिए उसकी वजह ये कि मुझे सूरह फातिहा के उसका उन दुआओं के पीछे कुरान को किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं मेरे भाई कुरान एक परफेक्ट किताब है कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसे शाने नुज़ूल की जरूरत है ना किसी बैकग्राउंड की जरूरत है कुरान खुद अपने अंदर एक कंप्लीट जो है वो किताब है उसे बैकग्राउंड की जरूरत बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं था तो तयम्मुम की आयात नाजिल हुई भाई ये वाकया ना भी हुआ होता तब भी तयम्मुम की आयात अपनी जगह परफेक्ट है आम मुसलमानों को उस वाकये का पता भी नहीं तब भी वो कुरान जब पढ़ते हैं ना तो तयम्मुम मट्टी के साथ ही करते हैं चाहे उन्हें ना बताओ कि किस मौके में नजर नाजिल हुई थी बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं होती है कुरान में जो रूल्स है उनको फॉलो कर ठीक है जी फी मान लोग इलाज कराने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं अगर आपका ये इतना दीनी मसला है और आप इसके लिए फिक्र मानते हो जेलम तशरीफ लें हम फीस भी नहीं लेंगे आपसे इंशाल्लाह बेफिक्र है ठीक हो गया